ये वही है, ये वही है यार। तो ध्यान ध्यान से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक डॉग को टेम कर लिया है और ये कुछ नहीं कहेगी हमें, खाली हाथ नहीं आई थी मैंने इसको यार, ऐसे बुलाया और फौरन ही नीचे बैठ गई। ऐसे कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन इससे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये कोई अपनी हो जैसे। यार ये सुबह आई थी ना, ये देखो ऐसे खेल रही थी मेरे साथ, इसके बच्चे भी ऐसे थे। कहाँ पे कहाँ पर है इसके बच्चे, लेकिन ये बच्चों वाली है ये। अच्छा, ये बच्चों के लिए खाना ढूंढने आई होगी है ना। यार इसको कुछ डालते हैं, मैं लेकर आता हूँ। ले ले ले, ये देखो कैसे आ रही है, आ कैसे रही है यार ये। बोटियाँ रखी हुई थी घर में। उई 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 देखना सकते हैं। हाँ ये तो जंप कर रही है, ऊपर करो हाथ, ये करेगी। क्या बात है यार, कहाँ जा रही है ये तो, ये एक दे दो यार, इसको दे दो। तुम्हारा ये भी तुम्हारा है, खाओ जी खाओ। ये लो ये भी है, ये लो खाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमारे यार घर के करीब ये 2 से 3 दिन से घूम रही थी और आज सुबह मैंने इसको बुलाया तो इसी तरह से ये खेलने लग गई। मतलब इसने मुझे बोला कुछ नहीं, तो बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं कि भाई आप घर में कोई डॉग रखें, डॉग रखें। तो यार डॉग मैं कैसे रखूं, घर की छत के ऊपर डॉग रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक तो जगह नहीं है प्रॉपर और दूसरा आपको पता है घर वाले इजाज़त नहीं देते यार हमारे कि कुत्ता आप घर में रखो। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा झिझक थी रखने में, डर था, लेकिन यार आज सुबह ये कुत्ता आया हमारे मोहल्ले में और ये बिल्कुल, अब कहाँ जा रहा है यार, ये बिल्कुल यार नहीं डर रहा ये मुझसे और इसके बच्चे भी हैं दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका हम अभी पीछा करेंगे और ये कहाँ तक जाएगी हम देखते हैं। देखो नहीं आ रही, भाग रही है मुझसे ना। बा अब तो आप तुम बुलाओ, ये देखो रुक गई है। हाँ हाँ इसने बुलाया, रुक गई है, वो देखो बैठ जाती है। सुबह मैंने इसको सिर्फ रोटी डाली थी, हाँ मेरी पहचान हो गई इसको। एक दफा प्यार जताने से देखो, ओ नहीं रोते नहीं, कुछ नहीं कहता, नहीं, नहीं, कुछ नहीं कहता। इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ। हाँ इसने बच्चे पाले होंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं इसके। यही जगह है, हाँ बच्चे नहीं, इसके पीछे तो नहीं है। नहीं करो यार तुराब, नहीं बच्चे नहीं है इधर, पीछे उसके पीछे तो नहीं है, है क्या बच्चे? सही बताओ, ये बच्चे मिल गए यार इसके, क्या बात है, दस है ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रैंक कर रहा है। तो दोस्तों हम इस कुत्ते के पीछे आए हुए थे कि देखते हैं इसके बच्चे कहाँ पर हैं, अगर कोई बच्चा हम उठा सकते तो हम फिर वो उठा लेते, लेकिन हमें दोस्तों उस डॉग का कोई हमें घर नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं कहाँ पर यार उसका घर है। तो अब देखते हैं दोस्तों, वो बैठी भी हुई है या नहीं बैठी हुई, और मेरे ख्याल में वो अब चली गई है यार, कितने भाग गई यार, बहुत ज़्यादा यार टाइम गुजर गया हम इसके पीछे लगे हुए हैं, हमें इसका घर नहीं दिखाई दिया। तो खैर यार रहने देते हैं, छोड़ते हैं इसको अपने हाल पर। और ये मेरी यार थोड़ी सी लग रही है कि ये अब क्यों भाग रही है, ये और है, ये वही ये है और है भाई वही है यार। कुत्ता है ये, वो देखो उसकी शक्ल का लग रहा है, लेकिन ये और है, वो देखो ये डॉग है, वो गायब हो गई यार, उसके पीछे लगते लगते एक ही शक्ल के थे, उसके पीछे लगते लगते वो किसी यूटर्न में चली गई, ये हमारी हम किसी और के पीछे लग गए। घर जाते हुए दोस्तों मुझे ये चीज़ दिखाई दे गई है, ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों हम अपनी क्यारी में इसको मिक्स करें, मिट्टी में मिक्स करें, इससे क्या होगा कि हमारी जो सब्जियां होंगी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में आएंगी। और हम ये काम यार जल्दी से प्लान करना होगा हमें, ये इसको यार आहल कहते हैं मेरे ख्याल में, ये फर्टिलाइज़र होता है। बहुत सारे भाई दोस्तों मुझे कह भी रहे थे कि भाई जो गाय और भैंस का गोबर होता है आप वो मिक्स कीजिएगा, तो ये काम हमने बहुत जल्द करना है, ये उठाना यार मेहनत वाला काम है लेकिन करना पड़ेगा। ये वही है, ये वही है यार, सिप्तान एक डॉग, ध्यान से सयान, वो इतना प्यार से हमसे वो मिल रही थी और अभी एक कुत्ते के पीछे ऐसे लगी हुई थी जैसे उससे बड़ा कोई है ना, शेर की तरह भाग रही थी उसके पीछे। शयान भी डर गया, आप डर गए थे ना? नहीं।
नहीं, अभी तो शक्ल देखने वाली थी इसकी। तो यार एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? कि हमारा एक कबूतर उड़ के चला गया है। उसकी कबूतरी दोस्तों अंडों पर थी और उसने आज दूसरा अंडा भी दे दिया है। तो यार अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि ये कबूतरी अब पता नहीं इन अंडों को इनक्यूबेट करती है या नहीं करती। तो दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, माशाल्लाह से दो अंडे इस बेचारी ने दिए हुए हैं, लेकिन अब ये अकेली है। बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई ये कबूतरी तकरीबन 5 से 6 दिन अंडों पर बैठेगी, फिर ये अंडों को छोड़ देगी। तो ये देखें दोस्तों, इसने दो अंडे दे तो दिए हैं बेचारी ने, लेकिन इसका मेल दोस्तों इसके साथ नहीं है। तो अब यार मुझे नहीं पता कि इनको ये पालेगी नहीं पालेगी, अंडे ख़राब कर देगी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बच्चों को इसने छोड़ दिया दोस्तों, बच्चों को बिल्कुल फीड नहीं करा रही और अंडों पर ये बैठ गई है। अब मेरे दोस्तों जहन में जो आ रहा है, जहन में ये आ रहा है कि यार हमारी शिराजी कबूतरी भी अंडे देने वाली है। अगर दोस्तों ये अंडे हम उस शिराजी कबूतरी के नीचे रख दें तो क्या शिराजी कबूतरी अपने दो अंडे और इसके दो अंडे, चार अंडों को इनक्यूबेट कर पाएगी? मुझे नहीं पता दोस्तों, आपने मुझे बताना है। और क्या अगर इन अंडों में से, उन चार अंडों में से बच्चे निकल गए तो क्या वो शिराजी कबूतरी मेल और फीमेल उन चारों बच्चों को पाल पाएंगी, सही से फीड करा पाएंगी या नहीं करा पाएंगी? तो दोस्तों अब ये मुझे बताना है आपने। थोड़ी सी टेंशन हो रही है यार। और माशाल्लाह से दोस्तों हमारा ये वाइट मेल दोस्तों देखें, ये अपने बच्चों को दोस्तों अभी तक भी फीड करा रहा है। इसने नहीं छोड़ा बच्चों को, मुझे डर था दोस्तों कि अपने बच्चों को छोड़ देगा, लेकिन इसने अभी तक छोड़ा नहीं है। और देखिए दोस्तों अभी भी दोस्तों ये फीड कराएगा अपने बच्चों को। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये देख माशाल्लाह दोनों अपने बाप के पास आ गए हैं यार। और माशाल्लाह से और यार बहुत अच्छी केयर कर रहा है, जितना हो सकता है इस बेचारे से ये कर रहा है, फिर अपने बच्चों को पाल रहा है। लेकिन थोड़ा सा मसला तो होता है यार, एक कबूतर को दो बच्चे पालने में काफ़ी मसला होता है। तो लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहा दोस्तों, अपने बच्चों को पाल रहा है, हमारे सेटअप से भी नहीं जा रहा। बस यार अल्लाह करेगा ये पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इनके दाने का भी मसला था दोस्तों, वो भी ऐसा ऐसा से खुश हो रहे हैं, वो गिर जाएंगे आई थिंक सब भाई। आप मुझे कह भी रहे थे कि खुश होंगे। और हमारे दोस्तों ग्यूना फॉल्स इस सेटअप पर रहती हैं, अब शोर ज़्यादा नहीं करती यार, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन काफ़ी बेहतर है। जब से इनके पर कटे हैं ना, इन्होंने शोर नहीं किया, ये सही घूम रही हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज दोस्तों हमारे गली में एक कुत्ता आया था, आपको मैंने दिखाया, तो मेरा दिल कर रहा है यार वो हमारा आदि हो जाए ना, हमारा पालतू हो जाए, तो उसका कुछ करते हैं यार। क्या पता यार वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाए, तो देखते हैं अगर उसके बच्चे साथ आते हैं तो कोई हम एक आध अडॉप्ट कर लेंगे और पालने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है दोस्तों तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शेयर में दर्द को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।